इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान और दोस्तों श्रीलंका के होने वाले आज के सेकेंड दोस्तों वर्ल्ड कप मैच के बारे में। आज का दोस्तों ये सेकेंड मैच रहेगा, फर्स्ट मैच दोस्तों ऑलरेडी लाइव चल रहा है अभी दोस्तों इंग्लैंड और बांग्लादेश का। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग हम लोग पिच को समझ लेते हैं, स्टेडियम को समझ लेते हैं। तो ये मैच दोस्तों खेला जा रहा है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अब यहाँ का दोस्तों पिच के बारे में बात करूँ तो एक चीज़ मैं क्लियर बताना चाहूँगा, देखो दोस्तों ये पिच ना बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग का जो 5 से 10 ओवर होता है ना, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना फास्ट बॉलर से बच के रहना होगा जो बहुत बढ़िया स्विंग कराते हैं। पाकिस्तान की टीम में दोस्तों इस मैच में आपको साइन अफरीदी दिखेंगे, हसन अली दिखेंगे जो बहुत बढ़िया दोस्तों स्विंग बॉलिंग कराते हैं। श्रीलंका की तरफ से दोस्तों रजिता दिखेंगे, वो भी एक बहुत बढ़िया दोस्तों स्विंग बॉलर है। तो इस पिच पे जो भी ओपनर आते हैं ना बैटिंग करने के लिए उनको थोड़ा सा संभल के रहना होता है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों मैच आगे बढ़ता है यह पिच बैटिंग के लिए बेस्ट बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल के रूप बताता हूँ, जो पाकिस्तान का फर्स्ट मैच हुआ था दोस्तों इनका नीदरलैंड टीम के अगेंस्ट, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पाकिस्तान के दोस्तों जो इनके टीम इंपॉर्टेंट टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे इबाबुल हक, फखर जमान और दोस्तों बाबर आजम स्टार्टिंग के 10 ओवर में ही आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्विंग बहुत अच्छा मिल रहा था और ये लोग खेल नहीं पा रहे थे। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ तो पाकिस्तान की टीम ने करीब करीब 300 रन का टारगेट दे दिया। रिजवान और दोस्तों इनके एक और प्लेयर है साकिब, उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया और बड़ा टारगेट दिया। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि स्टार्टिंग में बस यदि आप बच गए तो ये पिच बैट्समैन को बहुत अच्छा फेवर करता है। स्पिनर को लेके जा सकते हो बट कम लेके जाना। हाँ, लास्ट जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड का इस पिच पे, वहाँ पे सैंडर ने 5 विकेट लिया है, अच्छा बॉलिंग भी उन्होंने किया है। आप ऐसे स्पिनर को पिक कर सकते हो जो आगे मैं आपको बताऊंगा, सदाब खान हो गए, नवाज़ हो गए, ये सब स्पिनर आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं इस मैच में। अब बात कर ले दोस्तों दोनों टीमों का लास्ट हेड टू हेड मैच, तो दोस्तों जब दोनों टीम लास्ट मैच खेली थी एशिया कप में, वहाँ पे दोस्तों श्रीलंका की टीम ने विन किया था DLS मेथड से। बारिश की वजह से दोस्तों मैच छोटा कर दिया गया था और श्रीलंका की टीम विन कर गई थी। लेकिन देखो दोस्तों इस मैच में पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि श्रीलंका के दोस्तों एक तो इम्पोर्टेंट बॉलर नहीं खेल रहे हैं। अब जैसे इस मैच में जहां तक अभी तक न्यूज आया है, इस मैच में दोस्तों तिरक्षणा का खेलने का 95% चांस है। बाई चांस यदि लास्ट में कुछ न्यूज आता है तो वो मैं ऐसे आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो तिरक्षणा के दोस्तों आने से श्रीलंका की टीम थोड़ा सा तो स्ट्रांग होगी जरूर, लेकिन स्टिल दोस्तों श्रीलंका की टीम में हसरंगा जैसे बॉलर नहीं है जो इनको बहुत ज़्यादा कमी खोल रहा है दोस्तों, क्योंकि हसरंगा यार अपने में गेम चेंजर थे। तो इसलिए आप पाकिस्तान को फेवर करके जा सकते हो इस मैच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि अभी तक आपने दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक ध्यान रखिएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, टेलीग्राम के साथ क्यों इंपॉर्टेंट है जुड़ना, इस मैच के रिगार्डिंग फाइनल पिच रिपोर्ट क्या होगा इस मैच का, फाइनल दोस्तों प्लेइंग 11, फाइनल टीम स्मॉल लीग का, सभी कुछ मैं यहीं पे शेयर करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा तो दोस्तों आपको के मेंडिस का ना फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। अब देखो दोस्तों के मेंडिस को ड्रॉप करना ऐसे ही बहुत ही गलत है। रीजन क्या है दोस्तों, भाई ने जो लास्ट मैच में बैटिंग किया है साउथ अफ्रीका के सामने, आपने देखा है बैटिंग, नहीं देखा है तो एक बार हाईलाइट जरूर जाके देखिएगा, टॉप क्लास बैटिंग इनका रहा है। और सिर्फ एक मैच का बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जो इन्होंने एक अभ्यास मैच भी खेला था वार्म अप मैच वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले, उसमें भी भाई ने 178 रन स्कोर किया था। 178 नोट आउट रह गए थे, रिटायर होके चले गए थे कि तो 200 तो आराम से कर जाते। तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, इसी वजह से मैं इनको बैक कर रहा हूँ। नीचे रिजवान भैया डेफिनेटली आपके टीम में होने चाहिए, और स्पेशली श्रीलंका के अगेंस्ट एक तो रिकॉर्ड अच्छा है, बाई चांस पाकिस्तान टीम का स्टार्टिंग में विकेट गिरता है जैसे लास्ट मैच में हुआ, रिजवान भैया बड़ा स्कोर करके जा सकते हैं, तो इसी वजह से मैं इनको बैक कर रहा हूँ। के परेरा पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड तो हेड टू हेड में इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन रिसेंट मैचों में ना भाई ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस किया है, बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, तो इसी वजह से मैं अभी इनको टीम में बैक नहीं कर रहा हूँ। बट चाहो तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, बस एक ही रीज़न है, पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड इनका अच्छा है हेड टू हेड में।
पांच मैच खेले जिसमें दो मैच में इन्होंने 50 प्लस स्कोर किया और एक मैच में 100 प्लस स्कोर किया है। एम एडिस का दोस्तों खेलने का चांस 0% है, आप ड्रॉप करके चलो। अब बात करें बैटिंग सेक्शन, तो दोस्तों बाबर आजम तो आपके टीम में होने ही चाहिए। आई नो लास्ट मैच उतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन दोस्तों जिस लेवल का प्लेयर है आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हो। फिर नीचे दोस्तों ये बाबुल हक का ऑप्शन मिलेगा, ये भी दोस्तों आपके टीम में होने चाहिए। इस मैच में बड़ा स्कोर करके आपको दे सकते हैं, ध्यान रखना क्योंकि ये प्लेयर ना श्रीलंका के अगेंस्ट जब भी चलता है बड़ा स्कोर करता है। तीन मैच इन्होंने लास्ट खेला है श्रीलंका के अगेंस्ट, जिसमें दो मैच में टोटली फ्लॉप और एक मैच में चले तो डायरेक्ट दोस्तों 100 प्लस स्कोर करके गए, तो इसी वजह से इसको मैं बैक कर रहा हूँ। नीचे दोस्तों पी निशंक, आप देखो दोस्तों अभी तक तो भाई का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है, चाहे दोस्तों आप एशिया कप ले लो चाहे दोस्तों वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच ले लो, निशंका का फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन ग्रैंडलिंग में आप इस प्लेयर पे चाहो तो रिस्क ले सकते हो, रीज़न बहुत एक ही है कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे और इससे पहले टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो आप चाहो तो इनको बैक कर सकते हो ग्रैंडलिंग में। फकर जवान दोस्तों श्रीलंका की टीम के अगेंस्ट एवरेज सा परफॉर्मेंस रहता है इनका, अच्छे प्लेयर है, ओपन बैटिंग करते हैं। यदि आप पाकिस्तान टीम को फेवर करके वन साइडेड कम्बिनेशन बनाना चाहते हो, ध्यान रखना वन साइडेड कम्बिनेशन बनाना चाहते हो, वहाँ पे फकर जमान को आप कभी भी ड्रॉप नहीं कीजिएगा। वन साइडेड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आप पाकिस्तान टीम के जो इनके तीन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो तो आपके टीम में होने चाहिए और इनके सभी बॉलर, तब आप इनको ट्राई कर सकते हो। सी श्रीलंका दोस्तों, देखो दोस्तों इस मैच में ना सी श्रीलंका और नीचे से डी सनाका, ये दोनों में से एक प्लेयर तो आपके टीम में जरूर होने चाहिए, चाहे आप कुछ भी कहो, ठीक ना, दोनों में से एक प्लेयर। अब देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज बताता हूँ। सी श्रीलंका पाकिस्तान के अगेंस्ट ज़्यादा मैच खेले नहीं है, एक मैच खेले थे जहाँ पे भाई ने 49 रन स्कोर किया था। रिसेंट मैचों में जो लास्ट मैच खेल के आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें भाई ने बहुत अच्छा बैटिंग किया और 50 प्लस स्कोर भी किए। वहीं डी सनाका का देखें तो पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इनका जो रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे और साथ ही साथ मेनली दोस्तों इंडिया में जब भी आते हैं ना, डी सनाका बहुत अच्छा बैटिंग करता है। मैं फिर से पॉइंट दे रहा हूँ दोस्तों, इंडिया में जब भी डी सनाका आता है बैटिंग बहुत अच्छा करता है। आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, इंडिया श्रीलंका का सीरीज जब भी होता है डी सनाका का नाम सबसे ऊपर में रहता है, बहुत पिटता है इंडियन बॉलर को ये, तो इंडिया का पिच इनको सूट करता है, आप चाहो तो ट्राई इनको कर सकते हो। मैं अभी के लिए श्रीलंका को रख रहा हूँ। सनाका को रखने का एक और एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपको ये पांच ओवर एटलीस्ट बॉलिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं। फिर नीचे दोस्तों एस समरा बी के आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे, कंसीडर करना चाहते हो कर सकते हो, एवरेज प्लेयर है दोस्तों, कैप्टन भी सी मत करना, जीएल में आप ले सकते हो। फिर नीचे से दोस्तों लास्ट मैच में एस सकलेन बहुत अच्छा बैटिंग किए, 27% सिलेक्शन है, लेकिन लास्ट मैच में भाई ने बहुत अच्छा बैटिंग किया। रीजन क्या था कि इनके जो टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन से बाबर, इबाम और फकन जवान स्टार्टिंग में ही आउट हो गए थे, लेकिन इस मैच में मुझे उम्मीद उतना नहीं लग रहा है कि ये लोग स्टार्टिंग में आउट होंगे, इसी वजह से मैं अभी इनको बैक नहीं कर रहा। अब बात करें ऑलराउंडर सेक्शन, तो शादाब खान आपके टीम में होने ही चाहिए दोस्तों, आपको 10 ओवर का बॉलिंग साथ ही साथ बैटिंग बैकअप प्रोवाइड करते हैं, मैं एज अ बॉलर इनको बैक कर रहा हूँ। डी सिल्वा दोस्तों देखो इस मैच में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि सामने दोस्तों 3 से 4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, फकर जवान इबाबुल हक दोनों ही लेफ्ट हैंडर है दोस्तों, तो ध्यान रखना डी सिल्वा पे इस मैच में, ठीक ना, मैं इनको अभी बैक कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस मैच में बेटर परफॉर्मेंस करके आपको जाए। लेकिन इनके जगह आप अदर प्लेयर पे रिस्क लेना चाहते हो डेफिनेटली दोस्तों आप ले सकते हो। नीचे दोस्तों आपको आई अहमद का ऑप्शन मिलेगा। आई अहमद दोस्तों देखो श्रीलंका टीम के अगेंस्ट इन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छा किया है, जितना मैच भी खेले इन्होंने बॉलिंग से विकेट आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। ध्यान रखना इस प्लेयर पर एज अ बैट्समैन मत रखना ध्यान, क्योंकि बैटिंग तो बहुत नीचे करते हैं ना, लेकिन एज अ बॉलर आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, इस प्लेयर पर आप फोकस रखना, ठीक ना। फिर नीचे दोस्तों नवाज भैया का ऑप्शन मिलेगा। देखो दोस्तों नवाज इस मैच में आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं बहुत ज्यादा ना ये लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि सामने देखो दोस्तों श्रीलंका का टीम है जो स्पिन अच्छी खेलती है, इनको फास्ट बॉलर से आप फंसा लो लेकिन स्पिन ये अच्छा खेल जाएगी, तो नवाज को मैं अभी के लिए टीम में बैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना अच्छा पिक रहेगा क्योंकि बॉलिंग पूरा आपको करके देगा। आप ट्राई करना चाहते हो नवाज को आप कंसीडर कर सकते हो अपने टीम में। मैं नीचे से डी बिलागे को अभी टीम में बैक कर रहा हूँ, क्योंकि 10 ओवर आई नो कम्प्लीट ये बॉलिंग करके देंगे और बैटिंग बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट मैच उतना अच्छा नहीं रहा था, बट आप इनसे बैकअप का उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट जो इन्होंने लास्ट मैच खेला था अच्छा परफॉर्मेंस किया था स्पेशली बॉलिंग से।
बैटिंग का चांस मिलेगा तो उसमें भी आपको आराम से 20 से 30 रन स्कोर कर सकते हैं। नीचे से दोस्तों ये तीनों को मैं पिक करूंगा नहीं क्योंकि तीनों दोस्तों खेलेंगे नहीं। ध्यान रखना दोस्तों नवाज पे स्मॉल लीग के अच्छे ऑप्शन है और आई अहमद ग्रीन लीग के ऑप्शन है। अब ये दोनों को आपको टीम में बैक करना हो तो डी बेला के डी सिल्वा को ड्रॉप करके आप डायरेक्ट ये दोनों को बैक कर सकते हो, पाकिस्तान टीम के वन साइडेड टीम बना सकते हो। अब बात करें बॉलिंग सेक्शन तो दोस्तों एस अफरीदी डेफिनेटली आपके टीम में होने चाहिए स्टार्टिंग में, इनको इस पिच पे बहुत ज़्यादा स्विंग मिलने वाला है, ड्रॉप मत करना। मैक तिरसना का दोस्तों खेलने का चांस मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है बट अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कन्फर्म न्यूज़ नहीं आया है, इसी वजह से मैं अभी इनको टीम में बैक नहीं कर रहा हूँ। बट आप ध्यान रखना ठीक ना, यदि खेलता है तो डेफिनेटली विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों श्रीलंका के लिए, जब भी खेला है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नीचे से एच रॉब को मैं बैक कर रहा हूँ अपने टीम में क्योंकि रॉब दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है, डेथ में बॉलिंग करने आते हैं, लास्ट मैच बहुत अच्छा इनका रहा है, ड्रॉप नहीं कीजिएगा। अब देखो दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिलेगा हसन अली का। हसन अली दोस्तों श्रीलंका टीम के अगेंस्ट ना 6 मैच खेला है भाई ने और करीब करीब 13 विकेट आपको ले चुका है, बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड है दोस्तों श्रीलंका टीम के अगेंस्ट। श्रीलंका के बैट्समैन इनके सामने फंसते बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि आपको हसन अली को टीम में पिक करना होगा ना तो फिर आपको करना क्या होगा कि नीचे से पठी राणा को ड्रॉप करना होगा, क्योंकि आप दोनों को यदि रखना चाहते हो तो फिर दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से डी सिल्वा और डी बेलागे ये दोनों में से किसी को आपको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पठी राणा को टीम में रख रहा हूँ, हसन अली को नहीं रख रहा हूँ। यदि इनको रखना होगा और पाकिस्तान की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो हो सके तो मैं इनको बैक कर लूं जो मैंने ऑप्शन बताया उनके जगह पे ठीक ना। और ऊपर देखें तो आपको रजिता का ऑप्शन मिलेगा, रजिता दोस्तों तभी ट्राई करना है यदि आप पाकिस्तान टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं रख रहे हो, अदरवाइज दोस्तों रख रहे हो तो फिर आप ड्रॉप करके चल सकते हो। ओके अब बात करें दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग हम लोग कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो दोस्तों इस मैच में मैं अभी के लिए देखो कैप्टन बीसी के लिए आप क्या कर सकते हो, बाबर आजम, सदाब खान, ये दो दोस्तों इस मैच के सबसे सेफ ऑप्शन है जिनको आप कैप्टन बीसी कर सकते हो। बट हम लोग ग्रैनली का बात करें और मिनी जीएल तो दोस्तों एस अफरीदी श्रीलंका टीम के दोस्तों टॉप ऑर्डर को ढा सकते हैं, ध्यान रखना एस अफरीदी पे ठीक ना। एच रॉब भी खराब ऑप्शन नहीं है स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में क्योंकि डेथ में बॉलिंग करने आता है और डेथ में दोस्तों रॉब को बहुत ज़्यादा विकेट मिलता है, जो लास्ट मैच इसी ग्राउंड पे खेले थे वहाँ पे 3 विकेट आपको प्रोवाइड भी किए थे। यदि बहुत ज़्यादा आप लोग अनएक्सपेक्टेड जाना चाहते हो और किसी प्लेयर का फॉर्म को ध्यान में रख के जाना चाहते हो, के मेंडिस का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, सामने दोस्तों एस अफरीदी रहेंगे, इसी वजह से मैं अभी के लिए स्मॉल लीग में इनको कैप्टन नहीं कर रहा हूँ। स्मॉल लीग में मैं सेफ जाते हुए बाबर को कैप्टन, वाइस कैप्टन सदाब खान को किया है और अभी के लिए आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट भी ले ले, कोई भी चेंजेस करना होगा टर्स को ध्यान में रखते हुए और पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए तो मैं आपको फिर से टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।